अपनी तो जाने में यहाँ खड़ी है, साथ में ये भी लेके आ गया डोमिनार 250 है ये जो ड्राइव है ना, ये हमारी बाइक में नहीं आ पाएगा भाई। राइडिंग गियर सारे चेक कर लेते हैं कि अपने पास कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस राइड में मैं सोलो जाऊं। रात को तो भाई जब इधर लाइटिंग हो जाती है ना, वो भीड़ कितनी है आज। ये वाला मैं हो सकता है कि बेच दूं, किसी को चाहिए होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। इनने दो फोन जोड़ दिया ऊपर से। नहीं तेरे में नहीं है। आदो भाई क्या हाल है, सबके उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सुबह टुडे 17 नवंबर और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। और भाई अभी जो है नाश्ता वाश्ता करके अपन हो चुके हैं फ्री, और अभी अपने को आज करनी है अपनी राइड की तैयारी, क्योंकि अभी कुछ दिन के अंदर हम निकलने वाले हैं राजस्थान राइड के लिए। मतलब राजस्थान राइड मैंने अपनी जाने मन पे करी हुई है, वैसे तो पूरी राजस्थान के ऑलमोस्ट सारे शहर हमने घूम लिए हैं, पर फिर भी एक जगह ऐसी है, मतलब है तो दो जगह, लेकिन उसमें से एक जगह ऐसी है जहाँ मेरे को अभी जाना है, जिस जगह का नाम है बांसवाड़ा। वो जगह भाई यहाँ से कम 750 किलोमीटर दूर है, और वो पड़ती है जगह कोटा से आगे। वहाँ पर एक जगह है चाचा कोटा करके, एक जगह है वहाँ अपने को जाना है भाई। तो आज अपनी जो है जाने मन को हम लेके चलेंगे करोल बाग, लेकिन उससे पहले अपने जो टेल बैग है वो टेल बैग निकाल के देख लेते हैं, राइडिंग जैकेट्स वगैरह निकाल के राइडिंग गियर सारे चेक कर लेते हैं कि अपने पास कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस राइड में मैं सोलो जाऊँ। तो अभी यहाँ पर रखे हैं वो ग्लव्स जो हमने माना पास वाली राइड में पहने थे। ये देखो भाई, ये कुछ ऐसे ग्लव्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने हो रखे हैं, और ये कपिल भाई से मैंने लिए थे, तो इसीलिए मैं उनको ये वाले वापस कर दूंगा और एक जोड़ी नए ग्लव्स ले लूँगा। वो अच्छा भी लगेगा मुझे कि कपिल भाई के मैंने वापस कर दिए हैं। और दूसरा, हेलमेट हमारा बिल्कुल सही है, इसका क्लियर वाइजर नहीं मिल रहा है भाई। एमटी के हेलमेट कभी मत लेना, मैं बता रहा हूँ, क्लियर वाइजर नहीं मिलते इनके, तो ये मिक्स रेडियम वाले शायद हमको लगाना पड़े। और बाकी गोप्रो अपना अडेप्टर और दोनों माइक दोनों हमने चेंज कर दिया है, आवाज़ में कोई दिक्कत ऐसी होगी नहीं। सारा सामान अपना निकाल लिया है, जिसमें एक हमारे पास ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है चेन क्लीन करने वाला, पर चेन क्लीन करने की जरूरत जब तक होती नहीं है जब तक चेन गीली गीली ना हो जाए। और ये हो गया अपना एक हाइड्रेशन बैग, इसकी तो बहुत जरूरत है भाई, पानी पीते रहते चलना है भाई। और ये हो गया अपना कार्बोनेटो का हाई बैग, ये साइड में आ जाएगा। और बाकी अपने पास एक ये एयर फ्लो की सीट पड़ी हुई है, जो कि बढ़िया है, कंफर्टेबल भी है ये, तो हो सकता है इस बार मैं इसको लगा के चलूँ अपनी बाइक पे। और अपने पास एक ये है गॉड्स का टैंक बैग, ये मैंने मंगाया था बड़ी जोश जोश में था, और लद्दाख राइड में यूज भी किया था, लेकिन अब मुझे ये लगाने में मजा नहीं आता। मेरा जितनी भी चीजें हैं ना वो मेरे टेल बैग में आ जाती है, और जो मुझे एकदम एट ए टाइम चाहिए होती है वो मैं अपनी पॉकेट्स में रख लेता हूँ। और ये अपने ये है वाइट एरा का क्लॉक, एक ये अपने पास जो है, एक इसी को लेके मेरे को डाउट हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये 70 लीटर का मैंने मंगवा तो लिया है, पर अभी जब मैं बद्रीनाथ वाली राइड पे गया था ना इसको लेके, तो ऐसा लग रहा था कि सामान कम है और बैग ज्यादा बड़ा हो गया है, तो बहुत ही हैवी सा दिख रहा था और बहुत ज्यादा दब भी रहा था ये, क्योंकि भाई बंजी कॉर्ड ऊपर से बांधते हैं हम, तो सामान इतना था नहीं, और इस वजह से ये दब रहा था बहुत ज्यादा। तो अपने लिए ना 50 लीटर और 40 लीटर वाले टेल बैग सही रहेंगे, तो वो भी आज हमको देखने हैं करोल बाग से। ये वाला जो अपना टेल बैग है ना, ये मैं मुश्किल से एक आध राइड पे अब यूज करने वाला हूँ, वरना ये एकदम नया का नया है, कहीं से ना कुछ फटा है ना इसमें कुछ हुआ है, तो ये वाला मैं हो सकता है कि बेच दूं, किसी को चाहिए होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। ये देखो वाइट एरा का क्लॉ 70 लीटर्स का है ये। अब निकालते हैं अपने राइडिंग गियर्स भाई, राइड की प्रिपरेशन की बात ही अलग है, वो एक्साइटमेंट है ना। ये आ गई भाई अपनी वैनम की राइडिंग जैकेट, और अपने पास है राइनॉक्स की Level 2 राइडिंग पैंट। राइडिंग पैंट भी अपनी एकदम सही है, इसके अंदर हमने पैडिंग भी लगा दी है, क्योंकि हम इसको धुलवाते हैं हर राइड पे आने के बाद, और अपनी राइडिंग जैकेट के अंदर भी पैडिंग हमने लगा दी है। ये देखो बैक आ गया प्रोटेक्टर, ये शोल्डर प्रोटेक्टर आ गया यहाँ पे, और हमने हाथों पे भी यहाँ पर लगा दिया है एल्बो प्रोटेक्टर। अपने ये आ गए एग्जोर के स्लिप स्ट्रीम बूट्स, जिसको कुछ बंदे कह रहे थे कि क्या इतने महंगे जूते ले लिए, बाइक तो तुम्हारी 310 cc की है, तो भाई ऐसा है, चीज़ हमको अच्छी लगी इसलिए हमने ले ली, थोड़ा सा अपग्रेड करना था। और ये सेफ्टी वाइज तो है ही, बल्कि वाटरप्रूफ वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और ये रखे अपने पास काफ़ी सारे भाई सब स्केट्स भी रखी हैं यहाँ पर, ये कभी बचपन में हम करते थे। ये अपने पास रखा हुआ है एक लोकल सा चेन ल्यूब, जिसको मैं करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ भाई ये मोट्यूल का चेन क्लीन। भाई साहब चेन क्लीन, चेन ल्यूब भी ख़त्म हो गया अपने पास। तो अभी जो हम बद्रीनाथ वाली राइड पे गए थे ना, उस पर मैं चेन ल्यूब लेके गया था और वहीं ख़त्म हो गया, तो एक चेन ल्यूब भी लेके आना पड़ेगा, ये तो मैं घर के आसपास किसी शॉप से ही ले लूँ।
हाँ, और ये रखे अपने सोलेस के ग्लव्स, इनको मैं राइड पे पहन के शायद ना जाऊं या जा भी सकता हूं, कुछ पता नहीं। चलो भाई निकलते हैं। और भाई बाइक की हालत देखो, बाइक की हालत क्या हो रखी है, मतलब इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है ना बाइक भाई, रिम स्टिकर वगैरह सब गंदा हो रहा है, कीचड़ कीचड़ लगी है। दिवाली के टाइम पे वॉश वॉश कुछ करवा ही नहीं, जब से ऐसी खड़ी हुई है। तो अभी चलते हैं, पहले इसको वॉश करा लेते हैं बढ़िया से। भाई साहब बहुत बुरी हालत हो रही है बाइक की, धूल ही धूल है। ठीक है चलो भाई, पहले यहाँ पास में बाइक वॉश वाला है, उसके पास चल के बढ़िया से इसको वॉश कराते हैं। नई नवेली दुल्हन लगनी चाहिए भाई। हैं? हाँ हाँ कर लो भाई, अब मजा आएगा ना बाइक चलाने में भयंकर वॉश होने के बाद। BMW के शोरूम में ही जाती है, शोरूम में ही जाती होगी सर्विस के लिए। हाँ और क्या, सर्विस तो कहीं से करा लो, इसमें छः। तो अभी बाइक में अपन हवा चेक करा लेते हैं, मेरे को बाइक थोड़ी सी ना ऐसा लग रहा है जैसे दब के चल रही हो, हवा चेक हो जाएगी फिर पता चल जाएगा बढ़िया से। देखना हवा कम सी लग रही है, कम है ना इसमें, इसमें कितनी है भाई, ओहो इसमें भी कम है। चलो भाई अब आ गए अपन बढ़िया हाईवे पे, और कभी भी ऐसे बाइक चलाने में आपको लगे ना कि दब के चल रही है या जितना थ्रॉटल हम दे रहे हैं उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, सबसे पहले भाई हवा चेक कराना, बाइक में कोई और प्रॉब्लम समझ के मत बैठ जाना। अभी हम दिल्ली के अंदर एंटर कर चुके हैं, मतलब हो गई आधा घंटा के आसपास, और यार इतना पोल्यूशन फील नहीं हो रहा अभी इस टाइम दिल्ली में, सही बताऊं तो। ये देखो भाई ये रहा, क्या बात है, देख रहे हो क्या बढ़िया लग रहा है ना। रात को तो भाई जब इधर लाइटिंग हो जाती है ना, वो भीड़ कितनी है आज, फ्राइडे है जबकि आज भयंकर। लो भाई करोल बाग तो हम आ गए, चोपड़ा ऑटोमोबाइल चलते हैं सीधे, लेकिन उसकी शॉप पे नहीं चलेंगे, सीधे चलेंगे उसके गोडाउन में। तो अभी भी ग्लव्स देख रहे हैं हम अलग अलग, एक ये सोमी का हमने देखा, इसमें प्रोटेक्शन है लेकिन फिंगर्स पे नहीं है, और बाकी ये एक सोमी का एक और है, ये भी काफ़ी बढ़िया है, 700-800 की रेंज में है। तो अभी भाई हमने काफ़ी सारे ग्लव्स देखे हैं, ये लोन रेंजर का भी है पर ये 3,500 के आसपास है। ऐसा अपने पास सोलेस का एक रखा हुआ है फुल लेंथ, और अभी राइनॉक्स के हमने देखे, ये भी ये कितने का था मैम, 295, मतलब 3,000 के आसपास ये भी हो गया। तो काफ़ी सारे देखे, एक ये था 1,000 रुपये के आसपास रॉयल एनफील्ड का, पर ये मेरे को थोड़ा सा हल्का लग रहा है इसीलिए अपने को लेने थे, बस डेली राइड में हो सके, क्योंकि अपने पास सोलेस के जो हैं वो लॉन्ग राइड में सही काम आ जाते हैं और विंटर में भी आ जाते हैं सही। तो इसीलिए हमने जो है एक ये सोमी का देखा था, ये काफ़ी सही लगा मेरे को, ये 850 के आसपास पड़ रहा है, तो अभी यही हमने फाइनल कर दिया। इसमें यहाँ पर प्रोटेक्शन भी है, फिंगर्स पे भी प्रोटेक्शन है बढ़िया एकदम, यही ले रहे हैं अभी। वही अभी हमने जो है ग्लव्स तो फाइनल कर दिए हैं, और अभी हम आ गए हैं एक टेल बैग देखने के लिए, क्योंकि मेरा वाला जो टेल बैग है ना वाइटेरा का, वो 70 लीटर्स का है, वो बाइक पे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है पीछे। अब मुझे जैसे राजस्थान वाली राइड जो मारनी है उसमें मेरे को एक छोटा बैग चाहिए, तो अभी इसीलिए अपन जो है देखने आए हैं। अभी इन्होंने बता रहा कि वाइटेरा का है, एक वाइटेरा का मिनी आया कोई, तो वो कम ही होगा, छोटे साइज़ का एक रहेगा ना तो 4-5 दिन की राइड के लिए बेस्ट होगा, तो वही अभी अपन देखते हैं। ये कितने लीटर है, ये 48 लीटर है, मिनी क्लो, अच्छा मेरे पास ये 70 लीटर वाला है ये, हाँ ये पर सेम हो गया, लेकिन मुझे वैसा चाहिए जो साइड में ऐसे लटका हुआ ना हो, जैसे एक राइनॉक्स का आता है ना वो सिल्वर कलर वाला, वैसा टाइप का चाहिए कुछ, जिसमें 2-3 दिन की राइड में ही हो जाए बस। एक हमने ये वाइटेरा का ड्राई बैग देखा, ये 40 लीटर्स का है भाई, और काफ़ी बढ़िया बैग है, सारी चीज़ें हैं इसमें, बैग जो है टाई अप करने के लिए, लेकिन अपने में वही दिक्कत है कि अपनी स्पोर्ट्स बाइक है, अपनी बाइक पे इस टाइप का बैग तो आ जाएगा, इसमें बीच में यहाँ पर गैप होता है और साइड से लटक जाता है, पर लेकिन ये जो ड्राई बैग है ना ये हमारी बाइक में नहीं आ पाएगा भाई। चलो भाई ग्लव्स हमने ले लिए,
लेने तो यार मेरे को एक टेल बैग भी था, लेकिन ढंग का टेल बैग कोई था ही नहीं। जो वो ड्राई बैग होते हैं ना भाई, वो स्पोर्ट्स बाइक पे लगा नहीं सकते आप, तो या तो आपको सैडल बैग लेने पड़ेंगे या फिर आपको लेना पड़ेगा जो वो था क्लॉ वाइट एरे का जो था। तो अब वो मेरे पास 70 लीटर का पहले से पड़ा है, तो वो मैं अलग से लेने का क्या फ़ायदा 40 लीटर वाला। या तो 70 लीटर वाले का मेरे को कुछ ठिकाना लगाना पड़ेगा भाई, तभी जा करके 40 वाला लेने का मतलब है। तो इसीलिए अभी हमने लिया नहीं। तो अभी ग्लव्स तो हम बाद में टेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं अपने भाई के रेस्टोरेंट पे, वहीं चल के कुछ खाएंगे, 5 बज गए, भूख लग रही है। चलो 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 चलो, भयंकर तगड़ी ट्रैफिक हो रखा है, क्योंकि अभी 5:10 हो चुके हैं तो ऑफिस आर शुरू हो गया है, हर रोड पे ट्रैफिक ही मिलेगा। और ये देखो भाई, यहाँ लगाया हुआ है इन्होंने आई लव दिल्ली, देख रहे हो, ये लगा रखा, ऐसी जगह लगाया है कि कोई फोटो भी ना खिंचवा पाए इसके आगे खड़े होके। अबे वाह, किसकी? अरे हाँ, आरओ वाले भैया, वो सर्विस सही नहीं करी थी पिछली बार आपने। क्या बात कर रहे हो, लड़के तो सही भेजे थे मैंने। लड़के वो नहीं थे, वो एसी की सर्विस करके चले गए। आपने आरओ वाले भेजे थे, एसी की सर्विस कर गए। कहाँ साइन करूँ मैं, बंदे तो गलत थे। और क्या हाल है, चले फिर। चलो भाई अब निकलते हैं, चलते हैं टेस्ट ऑफ माउंटेन। तो भाई अभी हम आ गए टेस्ट ऑफ माउंटेन्स अपने भाई के रेस्टोरेंट पे, यार अपने पीछे। और यहाँ पर ना भाई सही बता रहा हूँ, इस एरिया में या कहीं भी दिल्ली में इससे बढ़िया मोमोज नहीं मिलने वाले कहीं। और बाकी अपने लड़के भी आ गए यहाँ पर, राणा को तो महिलाएं मैटर से, प्रतीक भी आ गया, काफी टाइम बाद मिले हैं हम। और सही है, बढ़िया है, तू ठीक है? सब बढ़िया है। और भाई जो है अपनी तो जाने मनिया खड़ी है, साथ में ये भी लेके आ गया, डोमिनार 250 है ये, जो कि भाई एकदम चमका के रखता है। और इसको मैं कब से बोल रहा हूँ कि हम लोग एक राइड करते हैं साथ में, चलते हैं कहीं। भाई साहब ये 50 किलोमीटर जाने के लिए तैयार नहीं है भाई। कितना है भाई? अबे राइड तो चल कभी, क्यों? हाँ जिस... क्या बोला जाए, क्या मतलब है इस बार? भाई आज नींद ना खुलते सीधी बात। अबे तो शाम को चल ले, रात को चल ले, शाम को बुला लियो, आप बुला लियो, आप कोई नहीं अगर तो आराम से राइड पे, लंबी राइड ना, ये शॉर्ट वाली। अबे लंबी राइड की बात कर रहा हूँ, चलता क्यों नहीं है? छुट्टी ना मिलती लंबी राइड पे, कभी राइड ही नहीं होता भाई लंबी राइड पे, छुट्टी ना मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती। अभी देख मेरी बहन कल जा रही है, बताता है क्यों राइड पे जा रहा है भाई, मरने के लिए बोलते हैं जो नहीं थी छुट्टी। अबे भाई देखो, छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, इसको राइड करनी भी होती है, लेकिन जब बोलते हैं ना चलो आप छुट्टी ले ले, छुट्टी नहीं है ये, क्या तरीका है भाई? भाई गलत बात है। तो अभी अंदर चलते हैं, ऑर्डर करते हैं बढ़िया, यहाँ का तो सब कुछ अच्छा है ही। तो भाई बाहर खड़े थे हम थोड़ी देर, उसके बाद अंदर आके बैठ गए क्योंकि भाई भूख लगी थी बड़ी। तो ये हमने मंगाया, वही तगड़े लग रहे हैं ना देखने में, ये कौन से मोमोज है? चिकन कुरकुरे। हाँ ये हमने मंगाए कुरकुरे मोमोज चिकन वाले, और बढ़िया जो है इसकी जैसी प्रेजेंटेशन है ना उतना ही तगड़ा भाई इसका टेस्ट भी है, सही बता रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे डोर है, मैंकर रुका नहीं जा रहा, ये देख लो, नहीं खा ले खा ले भाई। अभी जो है यहाँ बैठे थे अपन, और ये हमको लड़का दिखा रहा है नई चीज आईफोन में, क्या चीज है भाई? भाई सबको पता है भाई, ये मुझे नहीं पता था, इनने दो फोन जोड़ दिया ऊपर से। नहीं तेरे में नहीं है वो, वीडियो चालू होते ही राणा के फोन में बेचारे के, भाई तो वैसे नकली चोर बाजार का तो नहीं है जो तू गया था वहाँ है, हो गया इसमें दोबारा करना एक बारी यार, ये तो बड़ी सही चीज है, हाथ तो हटा लिया अपना इतना बड़ा, ये देख देख। अबे एक मिनट रुक, डिक्लाइन डिक्लाइन, क्या शेयर कर दिया था ना मेरे को, लाइटें चली गई, वो शेयर करके देख रहा था। अबे वो जो इफेक्ट है ना वेव टाइप की जो जा रही है ना भैया, एक बार और कर दो भैया, एक बार 5 रुपए ले लेना ये क्या कर दिया ये आपने, खेल दिखाते हो क्या आप गुड्डा गुड्डी का? चलो भाई अब अपन निकलते हैं, प्रतीक अभी चलाएगा अपनी जाने वन, भाई ढंग से चलाइयो, हाँ अपनी फिगर मत करियो, इसकी फिगर जरूरी है, इसको तो मैं चला लूंगा, सांप मत बना दियो। और मैं अभी चलाऊंगा डोमिनार 250। ओहो हो भाई इसका एग्जॉस्ट तो बड़ा अच्छा है यार, डोमिनार 250 का है भाई, तो अभी भाई हमने जो है जो नए ग्लव्स अभी खरीदे थे वही ग्लव्स हमने पहन लिए, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 10:15। के
कैसी लग रही है चलाने में? मजा आ रहा है? धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी ना पूरी। हाँ आदत हो जाए ना एक बार ही। मन तो मेरे भी करती है ये लेने का। मन करता लेने का? अबे भाई लेंगे पैसे जमा करके, जैसे ये दिया वो भी लेंगे। मैं तो सीधा निकलूंगा, तू राइट हो जाएगा। हाँ इस पे ना, धोला कुआं वाले पे। चल ठीक है भाई, मजा आया कुछ। ब्रेकिंग हाँ, बजाज की ब्रेकिंग थोड़ी सी स्टिफ है। चलो भाई अब अपन निकलते हैं घर के लिए। भाई साहब 10:30 बज गए तो, लेकिन ठीक है, काफी टाइम बाद सारे दोस्त मिले थे और ऐसा टाइम बहुत कम आता है भाई, खासकर जब कॉलेज वॉलेज खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद तो ये टाइम आता ही नहीं है जल्दी। ये रोड देख रहे हो कितना सुनसान है, ये अभी इंडिया गेट के आसपास का एरिया है भाई साहब। यहाँ तो इतने पेड़ है ना, इतने पेड़ है, एक्स्ट्रा ठंडा हो रखा है यहाँ पर। पर ठीक है, अच्छा वो जैकेट पहन के आ गया भाई, बच गया मैं वरना ज्यादा ठंड लगती फिर। चलो भाई फाइनली घर आ गए हैं, बढ़िया से दोस्तों से भी मिल लिए और ग्लव्स भी ले लिए हमने। टेल बैग यार ये वाला अगर बिकवा सकते हो तो बिकवा दो, मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, कोई बंदा अगर होगा वायर तो मैं उसको ये सेल कर दूंगा। बहुत जल्दी हम निकलने वाले हैं बांसवाड़ा के लिए और मजा आएगा कसम से इस वाली राइड पे, क्योंकि अब मौसम अच्छा हो गया इसलिए। ठीक है तो अभी अपन एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो कॉमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नहीं जा रहा ये देख लो, नहीं खा ले खा ले, कैमरा बंद नहीं होगा, खा ले जैसे शादियों में नहीं होता।